बागपत की ग्रामीण प्रतिभाएं लगातार खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अभी दो दिन पहले ही अंगदपुर गांव के अखिल श्योरान ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया था, तो दो दिन बाद बागपत के मविखुर्द गांव के लाल नीतीश उज्जवल ने रोइंग नौकायन स्पर्धा में पहला रजत पदक देश की झोली में डालकर बागपत के नाम की छाप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ दी है। चीन से अपने पैतृक गांव मविखुर्द पहुंचे पदक विजेता नीतीश का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मविखुर्द गांव के रहने वाले पूर्व फौजी कुलवीर सिंह के पुत्र नीतीश उज्जवल ने चीन में चल रहे एशियन खेलों में रोइंग नौकायन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब जब नीतीश अपने गांव लौटे तो गांव के लोगों ने नीतीश के स्वागत में पलके बिछा दी। नीतीश को खुले वाहन में ढोल नगाड़ों के साथ घर तक लाया गया, जहां घर पर नीतीश की परंपरागत तरीके से तिलक आरती की गई। 2016 में भारतीय सेना में भर्ती हुए नीतीश का रुझान बचपन से ही खेलों की तरफ था। सेना में नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपने शौक को अपना जुनून बना लिया और रोइंग नौकायन में राष्ट्रीय स्तर पर 8 गोल्ड मेडल हासिल किए। सेना खेल कोटे से नीतीश ने चीन एशिया खेलों का टिकट पाया और रजत पदक हासिल किया। नीतीश के पिता कुलवीर सिंह का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, बस उनको तराशने की जरूरत है। सेना का एक खिलाड़ी खेल व जंग के मैदान दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। नीतीश का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में खेल कर देश के लिए पदक लाना है। मेरा नाम नीतीश कुमार है। चाइना के होंगजू में था। कौन सा स्थान था? मैं सिल्वर मेडल में। किस तरह से तैयारी की? काफ़ी, मतलब इस मेडल के लिए पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा था। पिछले साल पोस्टपोन हो गया गेम, मैं पिछले साल होना था, उसके बाद फिर 1 साल हुई, फिर पीछे गैप हो गया। आप किस सेना में जाना थी, कहाँ पर है? मैं अभी पूना में हूँ। जो आपको मेडल मिला है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सभी को, मतलब जो मेरे सपोर्टिव, मेरी फैमिली, मम्मी पापा मेरे, और आर्मी, साई, मेरी फेडरेशन और मेरे कोचेस, सभी ने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। वैसे क्या सेना में भी तैनात हैं और वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, उधर खेल की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से तैयारी कर रहे थे, कैसा लग रहा था? मतलब ये था कि सेना में तो होने के बावजूद, लेकिन सेना ने हमें बिल्कुल अलग कर रखा था। स्पोर्ट ओनली हम स्पोर्ट करते हैं, हमारी कोई ड्यूटी वर्टी कुछ नहीं है, ओनली हम प्रैक्टिस करते हैं अपने एशियन गेम की। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? और बच्चों को सब यही है कि मतलब अच्छा करें, और जिस किसी फील्ड में जाओ, गेम में जाओ या किसी फील्ड में, अपनी 100% दो, कामयाबी जरूर मिलेगी। आगे की क्या तैयारी? आगे की जो ओलंपिक आ रहा है, पेरिस ओलंपिक, उसी तैयारी है अभी। मेडल के श्रेय में अपने फैमिली को, मेरे कोचिज, और जो हमारे RFI है, साई है, इंडियन आर्मी है, सभी को मैं इसका श्रेय दूंगा। मेरा नाम सुबेदार गुलवीर है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैंने 1982 में सेना ज्वाइनिंग की थी, और सेना में भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स किया। मैं भी 27-28 साल तक स्पोर्ट्स में रहा, 14 किलोमीटर रनिंग करता था। मेरी बटालियन अभी पटियाला में है, और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि सेना में जाओ और गेम करो, और वो सपना मेरा सेना ने, बच्चों ने पूरा कर दिया, और आज अभी भविष्य यही है। सभी के लिए प्रेरणा है कि गांव के सभी देहात के बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, और देश के लिए हम लोग तो पहले से पूरा परिवार सेना में मर मिटने के लिए तैयार हैं।